राजकुमार सामने एकदम लेफ्ट 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 साइड राजकुमार लेफ्ट साइड बहुत मज़ा आया। आई थिंक उनका शो मैंने पहले भी देखा है और बहुत मज़ा आता उनके साथ बिकॉज वो खुद भी एक एक्टर हैं, तो उनको बहुत मज़ा आता। उनको पता है कि एक्टर्स को कहाँ पकड़ना होता है, किस उनकी नब्स को दबाना होता है। सो बट इट वॉज लॉट ऑफ फन। आई थिंक शी इज अ रियली चिल्ड आउट गर्ल। इट्स ऑलवेज फन टू जस्ट हैंग आउट विद हर। I feel the same. She's very outspoken and so honest and so like she talks about what she like what she thinks, you know, basically. And I love that about her. It's the first time I've met her and I thoroughly enjoyed today's day. I'm very thrilled. I wish the film is a big success, that and I think it will be, because it's a great topic. It's made with lots of love and dedication, a lot of thought as well, and sensitivity. And I think it's a subject that needs to reach as many people as possible, and we need to make a change, and that's our effort from our side to spread awareness and also entertain you. It's an entertainer. It's an absolute entertainer, the film. आपको कैसा लगा इनका ट्रेलर? Oh, I loved it. I told her, I told Akshay sir also, I totally loved it. As she said, you know, it talks about something so important and with some entertainment in it. I think that's what, you know, that's the kind of cinema even I like, where you talk about something so important, relevant, but still entertaining. 2017 आपके लिए बहुत अच्छा रहा, इतने सारे अवार्ड्स आपने जीते, और अभी 2018 में आप जा रही हो ना, ऐश्वर्या के साथ फिल्म कर रही हो, सोनम के साथ एक फिल्म कर रहे हो आप, तो कैसा लग रहा है, क्योंकि उम्मीद क्या है इससे 2018? बहुत उम्मीद तो हमेशा ही अच्छी होती है, उम्मीद अच्छी थी तभी एक्टर बनने आ गए इस शहर में। वेल, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 2018 एज वेल। आई एम सम कुछ अच्छी कहानियां हैं जिनका हिस्सा जो करने का मौका मिल रहा है 2018 में। सो नाउ लेट्स सी हाउ इट गोस, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। तो इसके अलावा 2018 में और कुछ होने वाला है धमाकेदार आपकी तरफ से? नहीं, काम ही होने वाला है, ओनली एक्टिंग एंड फिल्म्स। नो नो, नॉट गेटिंग मैरिड, नो। और धमाकेदार क्या होने वाला है? सेगमेंट का नाम स्कैरी विद Scary Spice. तो कैसा रहा ये? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इनको मैंने मिर्ची खिलाई, जो आई डोंट थिंक एनी वुमन इन हिज लाइफ हैज़ मेड हिम डू व्हाट आई हैव मेड हिम डू, दैट इज़ ईट स्पाइस। और आई हैव टू से कि राजकुमार ने आज बहुत सारे लोगों के लिए मिर्ची खाई है यहाँ पे, अपने बहुत दोस्तों को फिल्म इंडस्ट्री में बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम। अब क्या है, सब खुलासे टीवी पर होंगे, पर
मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि मिर्ची खाने के बाद इनको नॉन स्टॉप हिचकी आने लगी और रानी मुखर्जी की फिल्म की भी प्रमोशन इन्होंने साथ में ही कर दी। कुछ सवाल थे जिनका जवाब देना वॉज टू टफ एक्चुअली फॉर मी टू चूज बिटवीन टू पीपल एंड व्हेन स्पेशली व्हेन यू नो बोथ द पीपल आर योर फ्रेंड्स तो सो आई जस्ट थॉट थर्ड ऑप्शन वाज टू ईट मिर्ची ईट द लाइक द चिली so I chose to eat some chilies बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को protect किया I'm a good friend सबको देखना और सीखना चाहिए राजकुमार राव से पर मिर्ची नहीं खानी चाहिए यू नो हमेशा जब दो एक्ट्रेसेस एक फिल्म में होती है तो comparisons होते हैं लेकिन आपकी एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर कभी भी कोई tantrums कभी भी कोई catfight की कोई बात ही नहीं आती कैसा अच्छा लगता है कि यू नो कि इतना दोनों एक्ट्रेसेस जो जिनका काम भी बहुत अच्छे से सराहा गया है और सोनम के साथ काम करना कितना अच्छा रहा आपके लिए हमारे साथ पे ज़्यादा सीन्स है नहीं बट आई रियली लाइक हर स्पिरिट शी इज़ अ लवली वंडरफुल एक्टर एंड अ वंडरफुल गर्ल एंड व्हाई शुड देयर बी प्रॉब्लम डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस यार प्लीज आई मीन व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन ओल्ड पुराना घिसा पिटा मत पूछो यार मैंने एक मिर्ची खाई एंड शी टॉट मी हाउ टू ईट मिर्ची प्रॉपर्ली जैसे कि आपको मिर्च नहीं लगती तरीका होता है जो आज मैंने भी सीखा मैं ये राधिका के बारे में बताना चाहती हूँ आपको मैं पहली बार इनसे मिली हूँ इतना कुछ सीखी हूँ मैं इनसे इतना ज़्यादा सीखी हूँ मैं कि कैसे वन ऑफ कोर्स इज आई लव हर बिकॉज यू नो इतने सारे गेस्ट आए मुझे ये कहना है शो पर आई विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू से दिस दैट I've never met a woman who speaks. One is talent, beauty, ये सब तो एक तरफ होती है but she speaks her mind like nobody else does. And even when she's speaking her mind, I think she has a way of saying things without hurting anyone or without meaning anything wrong. She only comes from a good place. और दूसरी चीज़ इनके बारे में है कि इनको मिर्ची खानी बहुत अच्छी तरह आती है और फिर इन्होंने राजकुमार को भी खिलाया और उनकी जान बचा ली है मिर्ची का इंतजार हमें भी होगा सामने सामने स्टेट एकदम है भी ऊपर स्टेट में आपके राइट में फिर से अरे यार मैं क्या करूं है जी ऊपर है जी ऊपर नेहा जी सामने है जी ऊपर सामने है उसको मिल गया हम लोगों को नहीं मिला सबको मिला हां